हेलो फ्रेंड, आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाटा मोटर्स में एम्प्लॉय को क्या सैलरी मिलता है। यदि आप भी टाटा मोटर्स में जॉब करने की सोच रहे हैं, जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस पोस्ट के एम्प्लॉय को क्या सैलरी मिलता है। लाइक यदि आप ऑपरेटर बनते हैं वहाँ पर जाकर तो आपको क्या सैलरी मिलेगा, सुपरवाइज़र हैं तो क्या मिलेगा, इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, मैनेजर, तो आपको इन पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी क्या होती है। बट आप मैनेजर लेवल में डायरेक्ट आपका नहीं होता है, तो हम बात करेंगे इंजीनियर लेवल तक की। यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th है तो आप किस पोस्ट में जाते हो, ITI डिप्लोमा है तो किस पोस्ट में जाते हैं, और डिग्री है यानी BBTech है कुछ भी तो किस पोस्ट में जाते हैं, और आपकी सैलरी क्या लगाई जाती है यहाँ पे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए तो आपको सैलरी से रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको गेट कर लेंगे इस वीडियो से। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि यदि आप 10th 12th से जाते हैं इस कंपनी में तो आपको ये कंपनी हायर करती है कि नहीं करती है, डिप्लोमा ITI है तो किस पोस्ट में हायर करती है, सबसे शुरू में यदि आप फ्रेशर हैं तो यदि एक्सपीरियंस है तो कैसे अप्लाई करना है, और आपकी सैलरी क्या लगाई जाती है। सेम टू सेम इसी तरह से यदि आप डिग्री हैं तो आप एक्सपीरियंस है तो आपको कंपनी हायर कैसे करेगी, या फ्रेशर है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी में भर्ती लेने के लिए 2 से 3 तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला कि आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्त कैंपस प्लेसमेंट, यदि आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो दोस्त फिर तीसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट कंपनी में आकर पता कर सकते हैं, कंपनी के गेट में आकर यहाँ पर भर्ती के लिए पता कर सकते हैं, वैकेंसी पता कर सकते हैं। जो दोस्त गेट लेवल में जो भर्ती होती है वो 10th 12th ITI डिप्लोमा तक के बंदों को हायर करती है कंपनी, यहाँ पे ट्रेनिंग बेस में इनको रख लेती है। लेकिन दोस्त जो डिग्री BBTech के बंदे होते हैं, कोई भी डिग्री के बंदा है, वो ऑनलाइन ही अप्लाई करे तो बढ़िया रहेगा। बट ऑनलाइन जो पोर्टल में वैकेंसी निकलती है वो फ्रेशर के लिए बहुत कम रहती है, बट रहती है, ऐसी नहीं है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट में भी, ऑनलाइन में लिंक्डइन में भी आपको कंटिन्यूअस अपडेट रहना पड़ेगा, डेली आपको विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अगर आप BBTech हैं तो। ठीक है, अब सैलरी की बात कर लें, अगर देखिए अगर 10th 12th बेस में है तो आपकी सैलरी 10 से 12 हज़ार रहेगी। ओवर टाइम करेंगे उसकी बात अलग है, 8 घंटे की हम सैलरी की बात कर रहे हैं। अगर आप ITI डिप्लोमा किए हैं तो ITI की 12 से 13 हज़ार है, और डिप्लोमा है तो 15 से 16 हज़ार है। डिग्री कर रखे हैं तो 18 से 22 हज़ार फ्रेशर लेवल की भर्ती में फ्रेशर लेवल को मिलता है। लेकिन दोस्तों यदि आप कैंपस प्लेसमेंट होते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट भी सेम ही रहता है। अब आपको गेट से हो या कैंपस प्लेसमेंट से हो, 10th 12th ITI डिप्लोमा वालों के लिए आपको जो सैलरी का मैंने बताया, ये बस सैलरी इतना ही अप्रोक्सीमेशन है। मैंने सैलरी से रिगार्डिंग बात बताई आपको कि 10th 12th ITI डिप्लोमा के लिए कितना रहेगा, तो ये सैलरी तो इतना ही इनका रहता है। पोस्ट क्या रहती है, काम क्या रहता है, तो अगर हम 10th 12th की बात करें तो ये ऑपरेटर लेवल में इनकी भर्ती होती है, ऑपरेटर का काम रहता है। ITI वाले बंदे जो हैं तो ये भी ऑपरेटर में रहते हैं, बट 10th 12th के बहुत से लड़कों को जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, मतलब थोड़ा वीक है, उनका इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू उनसे मतलब बेसिक चीज़ों को पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो टेक्निकल टीम होती है डिसाइड करती है इसको हेल्पर में रखना है या ऑपरेटर बना देना है। दोस्तों यहाँ पर 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 1 साल काम करने के बाद ऑपरेटर आप बन जाते हैं, लेकिन ITI है तो ITI के बाद आप टेक्निकल नॉलेज है थोड़ा बहुत तो आपको डायरेक्ट ऑपरेटर में ही हायर कर लेती कंपनी, आप ट्रेनिंग बेस में आपको हायर करती है, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों आपको 1 साल बाद 2 साल बाद काम सीखने के बाद या काम करने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, और आपके पास आपके ITI का सर्टिफिकेट होता है। इन दोनों सर्टिफिकेट लेकर और आपके पास यदि स्किल हो जाती है थोड़ी बहुत भी, सीख जाते हो काम, तो दूसरी कंपनी में स्विच करोगे तो आपकी सैलरी जो है आराम से 22 से 25 हज़ार आराम से मिल जाती है। अब बात करें अगर डिप्लोमा वाले बंदे की, तो डिप्लोमा को अगर हायर करती कंपनी तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में हायर करती है। और दोस्त अगर कंपनी हायर की है गेट से, या अगर दोस्त आप कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई फिक्स नहीं, आप ऑपरेटर का ही काम कर सकते हैं। अगर कंपनी हायर करती है आपको गेट से या फिर कैंपस प्लेसमेंट से, या फिर दोस्त ऑनलाइन पोर्टल से यदि आपने अप्लाई किया है, कंपनी हायर की आपको टेक्निकल राउंड या 4 राउंड या फिर आप GD ये सब कुछ निकालने के बाद आपका हुआ कंपनी में, तो दोस्त यहाँ पर आपकी सैलरी 18 से 22 हज़ार रुपये रहेगी। फ्रेशर में ही आपकी सैलरी इतनी रहेगी ट्रेनिंग लेवल में। और दोस्त यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में रखा जाएगा, आपको इंजीनियर का काम दिया जाएगा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। और डिग्री की बात करें, अगर जो भी बंदे डिग्री हैं तो उनके पास दोस्त 3 साल अगर एक्सपीरियंस है और दोस्त कहीं काम किया उन्होंने, उनके पास सर्टिफिकेट है, स्किल है, और ऑनलाइन अप्लाई किया आपका हो गया, दोस्त आपकी सैलरी यहाँ पर 30 से 35 हज़ार रुपये तक देखने को मिल जाएगा फिर जब आप शुरू में आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहता है आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्त हाँ, इतना ही होता है सैलरी जो है ITI डिप्लोमा डिग्री 10th 12th की। मैंने सैलरी से रिगार्डिंग सारी चीज़ें बता दी है और ये पोस्ट भी बताया दोस्त आपको किस किस पोस्ट में रखा जाएगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब बात करें दोस्त यहाँ पर सीनियर इंजीनियर्स मैनेजर इस पोस्ट में कैसे पहुँच सकता है, तो जैसे आप डिप्लोमा डिग्री हैं तो आप पहुँच सकते हैं आराम से मैनेजर लेवल की पोस्ट तक। तो दोस्त यहाँ पर आपको 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस के लिए गेट करना पड़ेगा, 5 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा किसी न किसी कंपनी से, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप यदि आपको सैलरी से रिगार्डिंग थोड़ा सा भी डाउट क्लियर हुआ है इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हो। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।